अनमोल ज्ञान की बातें। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। एक अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले अपने ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। दो काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। तीन लाइफ में एक बात जरूर याद रखना, किसी को कुछ दोगे तो लौट के जरूर आएगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। चार जब सब कुछ करने के बाद भी अगर उसका परिणाम ना मिले तो उसको भगवान की मर्जी समझकर जो कुछ हो रहा है उसे होने देना चाहिए। पांच जब दुख आता है न तो सगा भाई भी संग छोड़ देता है, जब विपत्ति आती है न सब नाते रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। छह कि रिश्तों में कई बार गलतफहमियां बहुत हो जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में मैंने देखा है कि हमारे रिश्तों में ना हम दूसरों की बातें सोचते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ मिलकर बैठ के समझौता नहीं करते, समझ नहीं पाते एक दूसरे को, और उन गलतफहमियों से निकलने के लिए बैठ के बात करने की ज़रूरत होती है। साथ जो चाहिए भगवान के पास मत जाओ, जो चाहिए वो घर में ही आपके भगवान वहाँ बैठो, माँ पता नहीं ये काम हो ही नहीं रहा, वो हाथ फेरे सर पर, बेटा फिक्र ना कर, ये होना जाना है आपकी बात से ज़्यादा उनकी बात ऊपर जल्दी जाती है।